भाई लोग, जैसे कि आज का ये वीडियो भाई डुअल 18 के इस सेटअप के ऊपर होने वाला है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाता है, फुल कंपटीशन लेवल के लिए ये सेटअप होने वाला है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, कंपटीशन लेवल के लिए भाई 18 इंची का बेस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। जो वाइब्रेशन और बेस जैसा कि प्रेशर जो निकल के आता है काफ़ी तगड़ा निकल के आता है। और सबसे खास बात यहाँ पर सार्जन प्रोटेक्शन, जैसा कि इस सेटअप का प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि एक एक सामान का क्या स्पीकर का प्राइस क्या है, और कैबिनेट का प्राइस, एचएफ का प्राइस, और डिस्ट्रीब्यूटर का, जैसा कि एमटी एम्पलीफायर इसमें यूज है जैसे कि बेस चलाने के लिए, उसका प्राइस क्या है। और भाई जैसे कि मिक्सर, स्टेबलाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कि भाई हम उसको भाई क्रॉस ओवर बोलते हैं अपनी तरफ भाई, तो एक एक सामान का हम प्राइस बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और ये भी आपको मालूम चल पाएगा, जैसा कि आप दूर से हैं, दूर से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे नहीं जा सकते, ऐसे सेटअप आप अपनी तरफ बनवाना चाहते हैं तो कितने कम्प्रोमाइज़ में जैसा कि ऐसे सेटअप आप बनवा सकते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से मालूम चल जाएगा। जैसे कि कैबिनेट का प्राइस, स्पीकर का प्राइस, एचएफ का प्राइस, तो पूरा डिटेल के साथ ये वीडियो होने वाला है। और भाई ये वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई इस चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेटअप को पहले पूरा करने के लिए हमको 8 कैबिनेट लेना पड़ेगा। जैसा कि डुअल 18 वाले यहाँ पे 8 कैबिनेट जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप सार्जन भाई यहाँ से लेते हैं या कहीं पे बनवाइए भाई, ऐसा ही बेस बनवाइए। जैसे कि 18 इंची का क्रॉस स्पीकर लगता है, तो इससे कैबिनेट से ये रहता है बेस वाइब्रेशन जो निकल के आता है काफ़ी तगड़ा और काफ़ी प्रेशर के साथ हमको देखने को मिल जाता है। जैसा कि डुअल 18 वाला 8 बेस अगर आप लेने जाएंगे, कैबिनेट का प्राइस भाई 1 लाख पड़ेगा। जैसे कि सार्जन भाई यहाँ भाई 1 लाख में 8 बेस वाला कैबिनेट आपको मिल जाएगा। इस कैबिनेट में जो स्पीकर फिटिंग होता है आप देख सकते हैं भाई, आइडियोटोन का स्पीकर फिटिंग होता है। जैसे कि 2000 वाट का एक स्पीकर होता है 18 इंची में। जैसे कि यहाँ पे सब स्पीकर आपको देखने को मिल जाते हैं। सार्जन भाई का काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा ये स्पीकर माना जाता है, बेस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं इस स्पीकर। क्यूआर कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जैसे कि इस स्पीकर का मॉडल नंबर आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, इस स्पीकर का मॉडल नंबर AD1852PD क्रोम। जैसे कि स्पीकर का मॉडल नंबर देखने को मिल जाए, 2000 वाट का ये स्पीकर होता है, 4000 वाट जैसे कि प्रोग्रामिंग पावर होता है, जैसे कि 4000 वाट ये आउटपुट झेल सकता है ये स्पीकर। इस स्पीकर में वॉइस कॉल हमको 5 इंच का वॉइस कॉल देखने को मिल जाता है इन आउट वेंडिंग के साथ। तो आप लोग जान रहे हैं भाई 5 इंच का वॉइस कॉल है और इन आउट वेंडिंग है, तो भाई बेस वाइब्रेशन काफ़ी तगड़ा मिलने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस स्पीकर के एम्प्रोस प्राइस की। एक स्पीकर आपको 16000 रुपये में एक स्पीकर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको अपने मार्केट में भाई 1500 ऊपर नीचे हो सकते हैं बस यही। तो 16 स्पीकर का जो प्राइस निकल के आने वाला है 2,56,000 में, जैसे कि आइडियोटोन का 2000 वाट बेस स्पीकर मिल जाए। ये स्पीकर सार्जन भाई का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि भाई इस स्पीकर को जैसे कि पहले से अपने सेटअप में यूज करते हो काफ़ी ख़तरनाक जैसे कि रिस्पांस निकल के आता है, बेस वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा निकल के आता है इस स्पीकर से। और स्पीकर ही नहीं, जो आप जैसे कि इस स्पीकर के लिए जो कैबिनेट बनवा रहे हैं 18 इंची बेस चलाने के लिए, वो आपका कैबिनेट भाई काफ़ी मजबूत होना चाहिए, जो भाई क्रॉस स्पीकर लगता है तभी आपका अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिलेगा। इस सेटअप में जो यूज़ होने वाला है एक इक्वलाइजर और एक DA20 जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर, जो इसका प्राइस है 2600 रुपये है, और जैसे कि यमहा का मिक्सर जैसे कि उसका प्राइस 4500 देखने को मिल जाता है। इस सेटअप को चलाने के लिए आप एम्पलीफायर जैसे कि आईडीटोन का या भाई MT1601 जैसे कि NX-ID का एम्पलीफायर यूज करें भाई, 1000-2000 फ़र्क होता है एम्पलीफायर में, बस उतना ही रिस्पांस आपको दोनों एम्पलीफायर में थोड़ा 19-20 देखने को मिलेगा। जैसे कि MT1601 जो एम्पलीफायर रहता है वो आप लोग जान रहे हैं भाई काफ़ी ज़्यादा माना जाना है और काफ़ी भरोसेमंद है, और आईडीटोन का ये भी एम्पलीफायर काफ़ी अच्छा चलता है। तो इस सेटअप को जैसा कि चलाने के लिए यहाँ पे ये आइडोटोन का एम्पलीफायर लिए हैं, जो प्राइस लिस्ट में है MT1601 है वो NX-ID का। आपको प्राइस में भाई थोड़ा ही डिफरेंट देखने को मिलेगा जैसे कि 2 से 3 हज़ार रुपये में। तो इस सेटअप को चलाने के लिए NX-ID का जैसे कि MT1601 वो एम्पलीफायर हम ऐड किए, उस एम्पलीफायर का एक एम्पलीफायर का 62 से 65 हज़ार के बीच में उसका प्राइस देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से आप 4 एम्पलीफायर लेने जाएंगे जैसे कि MT1601 2,60,000 रुपये में, जैसे कि MT1601 NX-ID का एम्पलीफायर आपको मिलेगा। जैसे कि डुअल 18 वाला 8 बेस आपको चलाना है, 2 बेस 1 एम्पलीफायर से इसी प्रकार से भाई 4 एम्पलीफायर पे 8 बेस चला सकते हैं, तब जाके आपको बेस वाइब्रेशन जो प्रेशर रहता है काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा।
और आइडियोट्रॉन का जैसे कि MT1602 जो ये एम्पलीफायर है, इसका पैकेजिंग आप देखेंगे भाई काफ़ी अच्छा इस एम्पलीफायर का पैकेजिंग हमको देखने को मिल जाता है, क्योंकि भाई इस एम्पलीफायर में हमको डैम्पिंग फैक्टर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और ये एम्पलीफायर देखेंगे भाई जैसे कि NX-IDU के MT1601 से ये एम्पलीफायर कुछ लंबा है, जैसे कि लंबाई इस एम्पलीफायर का कुछ ज़्यादा देखने को मिल जाता है। जैसे कि यही एम्पलीफायर नहीं, कोई एम्पलीफायर अगर आप ले रहे तो आपको जैसे कि एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस है तो कोई भी एम्पलीफायर रहेगा अच्छे से अच्छे चला लेंगे आप, और जैसे कि एक्सपीरियंस ही नहीं है तो कितना भी अच्छा एम्पलीफायर रहेगा तो आपका सेटअप घटिया ही बजेगा। और भाई जैसे कि इस सेटअप में जो बच रहा है हमारा जैसे कि 20 पीस हाइस, और जैसे कि आहूजा का एम्पलीफायर जो 1000 वाट का 20 पीस हाइस वो चलाएगा, और जैसे कि स्टेबलाइजर जो इसमें छूट रहा है स्टेबलाइजर है, और DA20। तो हम यहाँ पे आपको प्राइस लिस्ट पेपर दिखा देते हैं, जैसे कि एक एक सामान का प्राइस हम आपको वहाँ पे बता देते हैं जो हमारा सामान छूटा है, उसके बाद साउंड चेक सुनाते हैं। और जैसे कि इस प्राइस लिस्ट पेपर में आप अच्छे से देख सकते हैं 8 पीस कैबिनेट का जो बेस वाला कैबिनेट रहेगा उसका प्राइस 1 लाख है, और 16 पीस स्पीकर का जो 18 इंची का आपका बेस स्पीकर रहेगा उसका प्राइस 2,56,000। और जैसे कि उसके नीचे की साइड में आप देखेंगे भाई 20 पीस HF का प्राइस जो भाई 64,000 है पूरा सेट, वहाँ पे जैसे कि कैबिनेट भी मिलेगा आपको HF भी मिलेगा। और जैसे कि उसके नीचे की साइड में आप देखेंगे भाई 1 पीस आहूजा का एम्पलीफायर जो 1000 वाट का होता है भाई, वो हाइस चलाने के लिए एम्पलीफायर, जैसे कि आहूजा का हाइस चलाने के लिए जो एम्पलीफायर है 1000 वाट का, इस एम्पलीफायर का प्राइस 41,000 देखने को मिल जाता है।